तो भाई कैसे हैं आप लोग, वेलकम एंड यू आर वॉचिंग रसल अपडेट फीडर। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी छोटी होने वाली है बाकी वीडियोस से। और तो और भाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी बात को आप समझो और मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेटिव वाला कॉमेंट कर देना। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन सुन लेते हैं। तो भाई रोमरेंस का एक मैच होने वाला है जिसे सुन के भाई फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाला है, मतलब नाखुश होने वाला है। और तो हमें यहाँ पे एज का रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी कन्फर्म तरीके से, उन्होंने एक डेट ही बता दिया। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और भी टॉपिक्स हैं भाई, सबको मिलकर कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस अभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और इसी के मतलब कि अभी उनका इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आप किसे अपना नेक्स्ट चैलेंजर समझते हो, आपका कौन नेक्स्ट चैलेंजर हो सकता है। तो भाई इस पे सेथ रॉलिंस ने यह कहा कि मेन रोस्टर मतलब कि रॉ में अभी बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हैं, जिनमें उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स का नाम लिया और उसमें से स्पेशली भाई ड्रू मैकइंटायर का उन्होंने बताया कि ड्रू मैकइंटायर भी हो सकते हैं उनके ओपन, लेकिन अभी वो इंजर्ड है। तो इन बातों से यही पता चलता है कि अभी ड्रू मैकइंटायर इंजर्ड है और अभी आने में उनकी थोड़ी सी वेटिंग हो सकती है, लेकिन वो आ ही जाएंगे। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हैं एले नाइट के बारे में। तो भाई यहाँ पे एले नाइट मनी इन द बैंक मैच जीत सकते हैं, वो ब्रीफकेस जीत सकते हैं, ये WWE वालों ने खुद कह दिया। वो कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई WWE का एक ट्विटर हैंडल है और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप एले नाइट को देखना चाहते हो मनी इन द बैंक जीतते हुए, अगर हाँ तो कमेंट में यह जरूर लिखना। और इसके ऊपर एले नाइट ने भी रिएक्ट किया और रॉकेट वाला इमोजी डाला। तो इससे यही बात पता चलता है कि यहाँ पे WWE वाले टेस्ट कर रहे थे कि फैंस को कि यहाँ पे उनका रिएक्शन क्या आता है जब एले नाइट वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतेंगे। अगर मुझसे पूछो तो भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एले नाइट जीते, क्योंकि एले नाइट वो सुपरस्टार नहीं लगते जो कि कैश इन करके वो हैवी वेट चैंपियनशिप जीत जाए, उन्हें थोड़ा सा अभी और मेहनत करना पड़ेगा, मुझे यह लगता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई ब्रे वाइट सोशल मीडिया ऐप पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो फैंस से कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन भाई उन्होंने कल ट्वीट किया, आपको पता ही होगा कि कल आयरन शेक एक सुपरस्टार थे, बहुत ही बड़े सुपरस्टार, उनकी डेथ हो गई थी। और इसके ऊपर ही रिएक्ट करते हुए ब्रे वाइट ने अपना ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो लिखते हैं मिस यू ब्यूबा। तो भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो ब्रे वाइट है वो पसंद करते होंगे ब्यूबा मतलब कि आयरन शेक को, जो कि अच्छी बात है। और आयरन शेक ऐसे वैसे सुपरस्टार नहीं भाई, बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे और मैं भी उनके ऊपर भाई यही कहना चाहूंगा रेस्ट इन पीस। आप भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिसे सुन के भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के फैन और मैं भी मतलब कि बहुत सारे फैंस जो हैं वो नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि बहुत ज़्यादा दुख वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रॉन स्ट्रोमन का जो पैर है वो 15% पैरालाइज्ड हो चुका है। और पैरालाइज्ड का मतलब आप समझते ही होगे, अगर नहीं समझते चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई पैरालाइज्ड मतलब कि उनका 15% का मतलब कि जो पैर है वो काम ही नहीं कर रहा है, वो उस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे समझ सकते हो ये बड़ी बात है और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जल्दी से ठीक हो जाएं और वो हमें फिर से आ जाएं WWE के अंदर। वैसे आप इनके बारे में कमेंट कर सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं आर रेटेड सुपरस्टार एज के बारे में। तो भाई अभी हमें एज नहीं दिख रहे थे WWE के अंदर, लेकिन अब उनके ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उनके रिटर्न के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और ये कन्फर्म डेट समझो भाई उनका रिटर्न कब होगा, ये कन्फर्म डेट है। तो भाई 18 अगस्त स्मैकडाउन के एपिसोड में मतलब कि 18 अगस्त वाला जो स्मैकडाउन आएगा उसके अंदर वो कंफर्म है कि वो आएंगे ही आएंगे। अब टाइम तो बहुत ज्यादा है, 2 महीने हैं लगभग, लेकिन देखो भाई आ भी सकते हैं, वो कंफर्म है कि 18 अगस्त वाले एपिसोड में आएंगे, उससे पहले आ जाते तो बढ़िया बात है, लेकिन 18 अगस्त में वो कंफर्म है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, है ना, बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई यहाँ पे रोमन रेंस का एक मैच होगा जिसके ऊपर फैंस बहुत ही ज्यादा नाखुश होंगे। तो भाई एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर ऐसा बताया गया कि रोमन रेंस का यहाँ पे एक टैग टीम मैच होगा और रोमन रेंस के पार्टनर तो शायद सोलो सिकोवा ही होंगे और यहाँ पे एक मैच होगा जिसके ऊपर भाई फैंस बहुत ही ज्यादा नाखुश होंगे। अब भाई रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही थी कि यहाँ पे अगला मैच होगा रोमन रेंस वर्स एंड सोलो सिकोवा वर्सेस उसोस का मैच, तो इसमें नाखुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे एक और मैच होगा रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का, उस पे नाखुश होंगे। अब ये मैच कौन सा है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जैसी इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो भाई आज की ये वीडियो इतनी थी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और भाई कमेंट कर ही देना, मैं आपके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होना, समझो बात को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।